26 और 27 तारीख को हमारे पास तकरीबन 10 से 12 रेस्क्यू के केस आए। इनमें से ज़्यादातर जो केस थे वो थे मुँह खुर के। अब ये मुँह खुर क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं इन दो दिनों के एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। जब हम बाहर रेस्क्यू करने निकले तो इनमें से कुछ जानवरों ने तो बड़ी प्यार और इज्जत से हमारे से इलाज करवाया, लेकिन कुछ ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा कुछ इस तरह क्रिएट किया। खैर हमने तो इन सभी का इलाज कर दिया, लेकिन ये मुखर है क्या चीज इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको अंग्रेजी में FMD भी बोल देते हैं, यानी कि फुट माउथ डिसीजेस। अब आप इसके नाम से तो समझ ही गए होंगे कि ये मुंह और पैरों में होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो ये जानवर होते हैं इनके मुंह से कुछ लारे से गिरने लग जाती हैं और जो पैर होते हैं उनमें जहाँ तो कीड़े पड़ जाते हैं जहाँ उनमें जख्म हो जाते हैं। ये सर्दियों के दिनों में सबसे ज़्यादा फैलने वाली एक बीमारी है। ये केवल ना केवल गाय बछड़े बैल को इन्फेक्टेड करती है, बल्कि इसके साथ साथ हिरन सूर भेड़ बकरे को भी इन्फेक्टेड कर देती है। अगर आप भी अपने शहर के जानवरों को इस मुँह खुर जैसी भयंकर बीमारी से बचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए हुए कोई भी सिम्टम अगर अपने किसी भी शहर के जानवर में देखते हैं तो वहाँ की कोई भी एक्टिव NGO या नज़दीकी गायशाला को कॉल कर जरूर बताएं, ताकि ये बीमारी आगे ना फैल सके। और आप एक काम और कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राप्त कर सकें।